राजा शिव महाकाविर संघ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, आज उनकी सेरेमनी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री शिव कौर महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ लगभग पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ और मैं खुद भी 24 बार डोनेट कर चुका हूँ। आज मैंने ब्लड डोनेट किया है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे को हमारी संस्था सेलिब्रेट कर रही है और पिछले कई सालों से सेलिब्रेट कर रही है सेक्टर 17 प्लाजा में लगाकर। हमारा मानना यह है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ये किसी भी इंसान को किसी इंसान के द्वारा ही डोनेट करके उसकी जान बचाई जा सकती है। हमारी संस्था का एक मोटो है, ईच वन सेव वन। तो उसी मोटो को आगे ले जाते हुए ये वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे इसी में एक श्रृंखला में एक हिस्सा है, जिसमें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ब्लड डोनेशन का ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस हैं, जो नया मोटो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्लड डोनेशन पे, वो पॉलिसी है टू रिप्लेस द रिप्लेसमेंट। जो रिप्लेसमेंट्स मांगते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन के लिए, उस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मुहिम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये संस्था भी यही काम कर रही है। श्री शिव कौर महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट ट्राई सिटी में ब्लड डोनेशन का पर्याय बन चुका है और ये सब लोगों को मोटिवेट करता है, यंग जनरेशन को, कि नशे को छोड़ के, गलत हरकतों को छोड़ के, गलत संगतों में छोड़ के आप इस अच्छे कार्य के लिए जुड़िए जो कि परमार्थ का कार्य है, धर्मार्थ का कार्य है और ह्यूमन लाइफ को बचाने का कार्य है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ श्री शिव कौर महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी वॉलंटियर्स को और आप सभी भी मीडिया वालों को, जो लोग कि आप इतने कोविड के टाइम पे इस संस्था के प्रोग्राम्स को कवर करने के लिए पहुंचे हैं, सभी धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के कारण ही ये मुहिम आगे चल रही है। मैं सभी मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह मुहिम से जुड़े रहिए और सब लोगों को इंस्पायर करते रहिए। धन्यवाद। तेज सागर जी, जो कि पिछले 9-10 साल से 13 ब्लड डोनेशन करवाते आ रहे हैं, उनके साथ परिवर्तन आगे आया है और उनके साथ ही जुड़ करके आज हमने ये हमारा तीसरा कैंप है जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। सागर जी के साथ हम और भी आगे से आगे इस कमी को पूरा करना चाहते हैं ताकि अगले आने वाले टाइम में कोई भी कम से कम ब्लड के अभाव में तो ना जाए। और मेरा जनता के साथ सिर्फ इतना ही एक मैसेज है, चाहे कोविड है या कुछ भी हो, ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेशन है जिसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर एक चीज पैसे से खरीद सकते हैं या आपस में हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ हमारी बॉडी में ही बनता और वो हम डोनेट करने से ही दूसरे को दे सकते हैं। और इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोविड से डरना नहीं है, उसके अंदर अपनी सारी की सारी शिव महाकावड़ महासंघ की तरफ से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। आज का दिन रक्तदाताओं की दिवाली के दिन ही मनाया जाता है। आज सर कार्ल लैंडस्टीन, जिन्होंने ब्लड डोपिंग की डिस्कवरी की थी, उनका बर्थडे है और पूरे विश्व में ये आज मनाया जाता है और सारे हमारे सेंचुरियन ब्लड डोनर्स सब इस टाइम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और हमारी संस्था पिछले 10 सालों से सेक्टर 17 चंडीगढ़ में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के उपलक्ष्य में लोगों को एक मोटिवेशनल मेगा कैंप लगा के, यहाँ अलग अलग ब्लड बैंक की टीम जाती हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं और उसमें भारी तादाद में रक्तदाता एक रूटीन है, उन्होंने यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। और हमारी कोशिश रहती है कि जैसे जून का महीना है, ब्लड की वैसे भी अस्पतालों में बहुत भारी शॉर्टेज होती है, ताकि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत थैलेसीमिया, कैंसर या डिलीवरी केसेस में या एक्सीडेंट केसेस में ब्लड की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई ब्लड की कमी से किसी मरीज को किसी के आगे इधर उधर हाथ ना फैलाने पड़े। हॉस्पिटल में इतना ब्लड कर दो कि किसी मरीज से हॉस्पिटल को रिप्लेसमेंट भी ना मांगनी पड़े। अभी तक सर कितनी आपकी संस्थाएं कितने रक्तदान शिविर लगवा चुके हैं? हमारी संस्था पिछले 28 सालों से इस मोटिवेशनल काम पे काम कर रही है और लगभग 800 के करीब हमारे इस टाइम शिविर लग चुके हैं। और पिछले साल कोविड के टाइम, जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में कई ब्लड बैंक्स बिल्कुल जीरो हो गए थे और थैलेसीमिया बच्चों को और क्रॉनिक पेशेंट्स को बहुत भारी दिक्कत आ गई थी, और उस दौरान हमने 182 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए
और 13,381 यूनिट्स ब्लड बैंक के ट्राई सिटी ब्लड बैंक को दिया और हमारे वॉलेंटियर उसके पूरे पीक टाइम पे हाई रिस्क के टाइम पे डे एंड नाइट लोगों को मोटिवेट करने के लिए कार्य किया। लोगों को चाहे घर पे बैठ के मोटिवेट किया, छोटे छोटे कैंप लगा के मोटिवेट किया ताकि अस्पताल में किसी तरह की कमी ना आ जाए। जो कि पंचकूला की सोसाइटी है उन्होंने लगाया है, जो कि हमको निरंतर कैंप लगा के ब्लड यूनिट्स प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि हमें पेशेंट्स जो कि पीजीआई में एडमिट हैं उनकी सहायता हो सके। और मैं पीजीआई प्रशासन की तरफ से और पीजीआई नर्सिंग की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।